Hello and welcome to my channel. I hope you guys are doing well, and if you are not doing well, please get well soon. So I am back again with an Amazon haul video, but trust me, ये वाला जो video ना different है. ये कोई clothing वाला या कपड़ों से related नहीं है. ये वाला ना जो video है वो bag से related है, because it's a bag haul, and trust me, ये video आपको काफी पसंद आने वाला है. Also please ignore जो मेरी आवाज़ है ना गूंज रही है, because ये नया room है and मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि यहाँ पे जो echo की problem होगी, मेरी आवाज़ ऐसे गूंजती रहेगी. And यहाँ पे fan वगैरह भी नहीं है, mirror वगैरह कुछ भी नहीं है, तो like you can see जो मेरे बाल भी थोड़े इधर उधर उड़ भी रहे होंगे. तो आई होप कि आप ये वाली चीज़ इग्नोर कर देंगे. ऑल्सो यहाँ से बाहर से भी काफ़ी नॉइस आ रही है, उसको भी प्लीज़ इग्नोर करके प्लीज़ जो वीडियो जो है ना, मेरा जो कंटेंट है इस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज आई एम श्योर यू वन लव दिस वीडियो. ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट कि आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको कमेंट करके भी जाना है. अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम. बट मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हैं. तो चलिए बिना देरी के वीडियो में चलते हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस डोनट बैग. ये वाला जो बैग है ना, ये बस नाम का बैग है. इट्स काइंड ऑफ अ शो पीस बैग लाइक यू कैन सी, बट ये मुझे काफ़ी क्यूट सा लग रहा था. एंड ना ये थोड़े से मेरे ओवरऑल लुक को ना थोड़ा एनहेंस कर देगा आउटिंग अगर मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो इस वजह से मैंने लिया है. लाइक यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ डोनट. एंड ना मैंने मतलब उसमें था ना कि वो रैंडम कलर दे देंगे आपको, उसमें तीन चार ऑप्शन थे डोनट के डिफरेंट डिफरेंट कलर के, उनमें से आपको कोई सा भी रैंडम डोनट मिल जाता. तो मैंने एक्सपेक्ट किया था तो मुझे कुछ थोड़ा सा व्हाइट में मिलेगा, बट कोई बात नहीं, ब्राउन में मिला. ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. लाइक यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक लाइक. एंड इसके जो स्ट्रैप है ना, लाइक सी, ये ना रिमूवेबल है, तो मैं इसको ईजिली रिमूव कर सकती हूँ. एंड एडजस्टेबल भी है, तो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकती हूँ. लाइक यू कैन सी, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट बैग, दिस डोनट बैग. एंड अगर इस बैग के प्राइस की बात करी जाए तो ये वाला जो बैग है इसका प्राइस है 399 रुपीज़. नाउ द सेकेंड बैग इज दिस प्रिंटेड क्लच बैग. लाइक यू कैन सी इसका जो प्रिंट है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था. तो इसके ना कैटलॉग में ना और भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटेड क्लच बैग के ऑप्शन थे, बट मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मुझे ना वो फैंसी थोड़ा सा ज़्यादा पार्टी वेयर वाला भी नहीं चाहिए था, बिकॉज ना फिर वो बस मैं पार्टी में यूज़ कर सकती हूँ, और मैं पार्टी में जाती नहीं, मुझे कोई बुलाता ही नहीं. तो मैंने ये वाला ले लिया है, बिकॉज ना ये मेरे ना दोनों में यूज़ हो जाएगा. बिकॉज अगर मुझे कोई बुला लेता है पार्टी वगैरह में, तभी भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, एंड अगर ऐसे नॉर्मल डेज के लिए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ. सो दिस इज़ हाउ दिस क्लच बैग लुक लाइक. एंड इसके साथ में ना इसके ना जो स्ट्रैप है, लाइक इट्स काइंड ऑफ चेन, काफ़ी पतली चेन है. सो दिस इज़ द चेन ऑफ दिस क्लच बैग. एंड यहाँ पे इसके ऐसे ये राउंड सा फेयर सा जो है ना, इसका लॉक दिया हुआ है. सो ये ऐसे लॉक हो गया. सो एंड अगर इस क्लच के प्राइस की बात करी जाए तो ये वाला जो क्लच है इसका प्राइस है 351 रुपीज़. सो दिस वॉज आवर सेकेंड प्रोडक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड बैग. वो वाला जो बैग है ना वो मेरा फेवरेट है. इफ़ यू लव बकेट बैग एंड यू आर इंटरेस्टेड इन स्नेक प्रिंट, रॉक पैटर्न या फिर स्टोन पैटर्न, आइस पैटर्न, देन आई एम श्योर यू वांट टू लव दिस बैग. लेट मी जस्ट शो यू दैट बैग. सो दिस इज दिस वेरी क्यूट स्नेक स्किन पैटर्न वाला बकेट बैग. लाइक यू कैन सी ये इतना क्यूट सा, इसका साइज ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा या फिर काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है. लाइक यू कैन सी एंड इसके ना यहाँ पे इसके ये स्ट्रैप है, ये हैंडल दिए हुए, तो ये इसका हैंडल है. सो ये हैंडल काफ़ी ईजिली आप ऐसे कैरी कर सकते हैं. एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना कि इसके साथ में ना एक्स्ट्रा चेन है, तो ना मैं इसे बड़ा कर सकती हूँ. लाइक सी ये रिमूवेबल है, सो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ऐसे. सो मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लगा दूंगी, एंड इसका जो हैंडल है ये बड़ा हो गया, विच इज़ नाइस राइट. इसके साथ में ना ये एक्स्ट्रा स्ट्रैप नहीं है, तो मैं इसे और भी ज़्यादा बड़ा कर सकती हूँ. सो मुझे ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. इसके ऊपर तो इसका एडजस्टेबल बकल भी लगा हुआ है. लाइक यू कैन सी, सो दिस इज़ द बैग. लाइक यू कैन सी एंड अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो ये वाला जो स्नेक स्किन वाला पैटर्न वाला बैग है ना, इसका प्राइस है 616 रुपीज़. सो दिस इज़ इट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बैग, विच इज़ ऑल्सो अ बकेट बैग, बट द नेक्स्ट बैग एंड इसका जो ये पैटर्न है ना, लाइक यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ क्विल्टेड पैटर्न, वोवन और क्विल्टेड पैटर्न. मैं इसको क्लेरिफाई करके यहाँ पे लिख दूंगी. एंड इसके साथ में भी इसका ये हैंडल दिया हुआ है. सो दिस इज द हैंडल एंड इसके साथ में यहाँ पे ये दूसरा हैंडल दिया हुआ है, जिसके ऊपर ये एडजस्टेबल बकल लगे हुए हैं. लाइक यू कैन सी एंड सेम प्रीवियस वाले बैग की तरह इसके साथ में भी ना यहाँ पे इसके चेन दी हुई है, ताकि आप इसकी लेंथ को ना इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें. लाइक यू कैन सी एंड आई होप कि ये जो साउंड आ रही है ना, बाहर से नॉइस आ रही है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही होगी. प्लीज़ concentrate on the content of this video, okay? So this is the bag, like you can see. And अगर इसके price की बात करी जाए तो ये वाला जो bag है इसका price है 593 rupees. So this is it. And पता है क्या, Amazon पे ना जो prices होते हैं ना काफ़ी fluctuate होते रहते हैं. Like अगर sale आती है ना तो up and down जाते रहते हैं. Like अगर आपने मेरा previous video देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ जो jeans है ना मैंने around 1200 के ली है, वो sale के time पे around 800 की हो गई थी.
सो मेक श्योर कि आप सेल के टाइम पे जरूर शॉप करें, तब ना आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बैग. नाउ द नेक्स्ट बैग इज फ्रॉम बैकपैक कैटेगरी लाइक यू कैन सी. एंड ना पता है शायद मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसमें काफ़ी सारे ना स्टूडेंट्स हैं, लाइक स्टिल स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए ये बैग अच्छा है. बट हाँ, ये वाला जो बैग है ना, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक्स नहीं रख सकते, छोटी बुक या नोट पैड या फिर डायरी वगैरह ही रख पाएंगे, तो ये वाला चीज़ ध्यान में रखें. तो दिस इज़ हाउ द बैग लुक लाइक. बट ना मैंने ना इसको ना पिंक एंड ग्रीन कलर में ऑर्डर किया था, बट मुझे जो रिसीव हुआ वो ब्लैक कलर में. अदरवाइज बिल्कुल सेम है, बट यही है कि कलर डिफरेंट आ गया. मुझे ऐसा वाला ऑर्डर किया था मैंने जिसमें पिंक एंड थोड़ा ये ग्रीनिश था पेस्टल कलर में, मुझे ब्लैक वाला रिसीव हुआ है. सो दिस इज हाउ द बैग लुक लाइक. इसके फ्रंट में यहाँ पे एक ये जिपर है, एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है. एंड इसका जो बैक है ना, हाँ बैक में ऐसे पीछे से खोलने वाला है, मतलब इसकी जो चेन है ना वो बैक में दी गई है. सो ये ऐसे ओपन होता है लाइक यू कैन सी. एंड इसके ना साथ में ना लाइक ये जो इसके जो दिए हुए हैं दो हैंडल, मतलब कैरी करने वाले जो स्ट्रैप्स हैं. एंड इस बैग के अंदर ना यहाँ पे दो कंपार्टमेंट है छोटे छोटे से, पेन इरेजर पेंसिल वगैरह रखने के लिए. एंड इस वाले साइड पे एक और कंपार्टमेंट है जिपर वाला. सो दिस इज़ द इनर कंपार्टमेंट. एंड इस बैग के साथ में ना एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिली है मुझे. सो ये जो है ना इसकी एक्स्ट्रा स्ट्रैप है लाइक यू कैन सी. इसे ना मैं यहाँ पे लगा के इसे ना शोल्डर बैग भी बना सकती हूँ. इसे ना एज अ आप शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि शोल्डर बैग इतना ज़्यादा क्लासी लगेगा. सो ओवरऑल जो ये बैग है ये अच्छा है. एंड अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो ये वाला जो बैग है इसका प्राइस है 499 रुपीज़. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर हॉल वीडियो विच इज़ माई सेकेंड फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल वीडियो, बिकॉज आई नो कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो होंगी ना या फिर बॉयज होंगे ना उनको वो बैग काफ़ी पसंद होगा. द बैग आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस टोट बैग लाइक यू कैन सी. कॉलेज स्टूडेंट को ना ये वाले बैग काफ़ी पसंद होते हैं, एग्री राइट. बट ना मुझे लगता था कि पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. एंड मेरी मम्मी बोलती थी अरे ये तो झोला है यार, बट अच्छा लगता है. एंड यू नो कि ये कोरियन फैशन से इंस्पायर्ड होकर आया है. सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक. एंड ना मतलब मुझे ना क्या अच्छी लगती है टोट बैग की ना, ये ना मतलब थिक होते हैं, इनका जो फैब्रिक होता है ना थिक होता है. एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं. इसको कॉलेज भी मतलब कॉलेज कैरी कर सकती थी, अब तो कॉलेज ही खत्म हो गया. एंड इसके साथ साथ अगर मैं शॉपिंग चली गई लाइक सरोजनी, तो मैं इसमें भर के शॉपिंग भी कर सकती थी. सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है टोट बैग की. एंड पता है टोट बैग के ना इतने सारे ऑप्शन और इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा था, इतने अफोर्डेबल प्राइसेस में जितने मेरे को अमेजोन पे देखने को मिले. एंड इसके फ्रंट में लिखा है यू सक एनीवे लिटरली. मुझे लीव दैट, छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करते. सो दिस इज़ हाउ द बैग लुक लाइक यू कैन सी. एंड इसके अंदर फ्रंट में एक ही कंपार्टमेंट है, इसके अंदर कोई चेन नहीं है, या वो चुटपुटी सी होती है ना वो पेस्ट करने वाली वो भी नहीं है. इसके अंदर वाला कंपार्टमेंट है ना उसमें चेन दी हुई है लाइक यू कैन सी. सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, काफ़ी सारे जो टोट बैग होते हैं ना उसमें चेन नहीं होती, तो मुझे लगता है बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ केयरलेस पर्सन, तो चीज़ें गिर सकती हैं. एंड इसके प्राइस की बात करी जाए तो ये वाला जो टोट बैग है इसका प्राइस है 239 रुपीज़. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इग्नोरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही थी एंड इस रूम में थोड़ी एको की प्रॉब्लम है. ट्रस्ट मी, मैं इसको ट्राई करूँगी कि मैं सॉल्व कर सकूँ, बिकॉज ये वाला बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस. तो मैं अभी इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा टाइम लूँगी इसको डेकोरेट करने में. अदरवाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन यू नो दैट रियल यू हैव टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ. तो दिस इज इट. ऑल्सो मैंने इस रूम में एक नई ट्रेंड बनाई है जो कि है अगेन. तो मैंने इस रूम में एक अपनी न्यू फ्रेंड बनाई है जो कि है मक्खी, जिसे आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा अभी इधर उधर उड़ रही है. एंड इसको मैंने नाम दिया परेशान आत्मा, बिकॉज लिटरली कहीं नहीं बैठी, बिल्कुल परेशान करी जा रही है. ऑलरेडी क्या कम प्रॉब्लम हो रही है इस वीडियो को बनाने में, जो सब आके परेशान कर रहे हैं. एनीवे आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है या कोई सी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.